मनोहर लाल की अध्यक्षता में जिला उपायुक्तों की हुई बैठक, सरकार की विकास योजनाओं समेत 9 मुद्दों पर हुई चर्चा। एक साल से बंद पड़ा टेकरी बॉर्डर खुला, किसानों की घर वापसी के बाद दिल्ली पुलिस ने खोले रास्ते, लंबे समय बाद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर हुई आवाजाही। पानीपत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी चेतावनी, कहा आंदोलन खत्म नहीं स्थगित हुआ है, सरकार बातों से मुकरती है तो फिर होगा आंदोलन। भिवानी में गीता जयंती पर कार्यक्रम आयोजित, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत, समारोह में लगाई गई कई प्रदर्शनियां। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन, लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना, कहा एमएलए एमपी की तरह उन्हें भी मिले पेंशन। सोना की बौंसी जेल में बंद आरोपी ने की आत्महत्या, बैरक नंबर के बाथरूम में रोशनदान से छूकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने, 20 साल का युवक पाया गया ओमिक्रॉन संक्रमित, 22 नवंबर को इटली से लौटा था युवक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ ही बैठक की। इस बैठक में सरकार की विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक हुई, वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर 9 मुद्दे ऐसे रहे जिस पर बैठक हुई, और ये तस्वीरें चंडीगढ़ में सीएम आवास की जब बैठक हो रही थी उस दौरान की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला उपायुक्तों के साथ सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये बैठक की। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली हुई। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल के अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी महंगाई हटाओ रैली को संबोधित किया। इस बात जनसराब लाखों की तादाद में मेरे बुजुर्गो नौजवान साथियों मातृशक्ति, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। जो महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है सोनिया जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में, इस बात की मैं आपको भी बधाई देता हूं और राजस्थान के भी सभी साथियों को, पूरी कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी कामयाब रैली कई साल के बाद हुई है, ये कोई रैली आम रैली नहीं है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है, महंगाई हटाओ, और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में दिल्ली में हमारे को विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की जिम्मेवारी है। और आज जो ये जनसराब देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे देश की आवाज बनकर यहां से जयपुर से उठेगी और पूरे देश में जाएगी और इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इस भैरी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसके कान खोलने का काम। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। शहर में एक 20 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें नए वेरियंट की पुष्टि हुई है। युवक 22 नवम्बर को इटली से चंडीगढ़ आया था। युवक अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा था, जहां युवक को क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया था। 1 दिसंबर को युवक की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट आई थी, वहीं अब युवक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में एक ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ गई है। चंडीगढ़ के साथ पंचकूला और मोहाली के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है।
ऐसे में अब चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि सभी राज्य चंडीगढ़ के साथ सटे हुए हैं। वहीं हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में विदेश से आने वाले लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं। ऐसे में विदेश से आने वाले यात्रियों की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जांच तो की जा रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी लोग कई जगहों पर बिना मास्क के दिखाई देते हैं। लापरवाहियां बरते लोग देखे जा सकते हैं आसानी से, और ऐसे में अब जरूरत है कि लापरवाही न बरती जाए और ध्यान दिया जाए, सेफ्टी रूल्स अपनाए जाए, जिससे कि जो ये वायरस है ये ना बढ़े। तो आपको बता दें कि 20 साल का एक युवक ओमिक्रोन से संक्रमित पाया गया, जिससे कि हड़कंप मच गया है और एहतियातन अब सेफ्टी बरती जा रही है। चलिए अब खबर सोहना से है, जहां पर भोंसी 8 महीने से जेल में बंद आरोपी ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि यह खबर यह है कि मृतक आरोपी ने जेल के बाथरूम से झूलकर सुसाइड किया। आरोपी के नाम पर इंजीनियर की हत्या का मामला दर्ज था, जिस वारदात में आरोपी को पुलिस ने भोंसी जेल भेजा था। फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आरोपी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो सोना से एक खबर, जहां पर 8 महीने से जेल में बंद था आरोपी, उसने आत्महत्या कर ली। करनाल से श्री दरबार साहिब अमृतसर के लिए किसानों का फतेह मार्च रवाना हुआ। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ कई किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि कल सिंगू बॉर्डर से चलकर रात करनाल के डेरा कार सेवा में रुका था और जत्था 15 दिसंबर को अमृतसर पहुंचेगा। गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज के निहंग सिंह जत्थे में शामिल होकर चल रहे हैं। वहीं बाकियों नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी नेतृत्व करते हुए जत्थे को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 380 दिन धरने पर बैठने के बाद सबसे हठी प्रधानमंत्री जनता के आगे झुका है, इसीलिए कल से फतेह मार्च शुरू किया गया है। 15 को अमृतसर पहुंचेंगे, हरमिंदर साहब जाएंगे। इस बीच उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को जाता है। करीब 380 दिन सड़क पे बैठने के बाद दुनिया का सबसे हठी प्रधानमंत्री जो है वो झुका है जनता के आगे, और इसलिए फतेह मार्च जो है वो कल शुरू किया है और हरमंदर साहब जाएंगे 15 तारीख को हरमंदर साहब पहुंचे।
चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। स्थानीय डीसी के दफ्तर पर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व मास्टर सुखदर्शन सरोहा और संचालन सचिव सुरजभान जटासरा की ओर से किया गया। इसी के साथ कर्मचारियों ने ऐलान किया कि सरकार बात नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं इस हल्ला बोल प्रदर्शन को संयुक्त किसान मोर्चा, सीटू अखिल भारतीय किसान सभा, जनवादी महिला समिति पदाधिकारियों ने समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की किसान मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज पूरे प्रदेश में उपायुक्त कार्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर तमाम विभागों के कर्मचारी, कच्चे पक्के कर्मचारी अपने 26 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से सरकार से बातचीत के लिए प्रस्ताव भी रखे, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की मतलब मांगों का अनदेखी की है। उसी अनदेखी को देखते हुए सर्व कर्मचारी संघ ने ये आह्वान किया कि हमें 12 दिसंबर को मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। और आज की इस दबाव को देखते हुए सरकार ने अपने सीआईडी के माध्यम से पता लगा लिया कि कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उस रोष को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रतिनिधिमंडल को 14 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया भी है। हम अपनी बहाली के लिए पिछले 1.5 साल से बैठे हैं और सरकार ने हमें 6 अक्टूबर 2020 को, माननीय सीएम साहब ने यह वादा किया था कि मैं पीटीआई का चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। तो मैं सीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि सीएम साहब 3 महीने में तो सिलेंडर भी खत्म हो जाता है, 1.5 साल होगी वादा किए हुए, ये चूल्हे कैसे चलेंगे? या तो आप अपना वादा पूरा कीजिए, वरना ये पीटीआई अभी मरे नहीं है, जिंदा है। जो संघर्ष हमने 2020 में किया था, उसी संघर्ष के लिए अब भी हम तत्पर है। हमारी डिमांड है, हमारे जो कच्चे कर्मचारी है, सबसे पहली मांग है कि हमारे जो कच्चे कर्मचारी साथी, इनको पक्का किया जाए। सरकार ने जो 1893 जो पीटीआई हमारे साथी हटा रखे हैं, उनको तुरंत पहली कलम से सरकार वापस भर्ती में ले। हमारी जो मुख्य मांग है, जो हमारे लिपिक वर्ग के साथी हैं, इनको पंजाब के समान वेतन मान दिया जाए। फरीदाबाद में आज से 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत विधायक मंत्री ने यज्ञ हवन के साथ गीता महोत्सव की शुरुआत की। इस आयोजन में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए। देखिए, जब से हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार हरियाणा में हमारे गीता के प्रचार और प्रसार के लिए मनोहर जी की सरकार ने इस तरह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती हर वर्ष मनाने का फैसला किया। उसी के अनुसार हर साल ये 3 दिवसीय गीता महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जाता है, हर जिले में मनाया जाता है। फरीदाबाद में गीता महोत्सव का शुभारंभ किया गया, यहां पर कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे इसका शुभारंभ करने के लिए, और तस्वीरें उस दौरान की जब इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। तो हरियाणा में जगह जगह गीता महोत्सव की धूम देखी जा रही है, अलग अलग जिलों में इस तरह के आयोजन देखे जा रहे हैं, कार्यक्रम रंगारंग प्रस्तुति देखी जा रही है। ऐसे में फरीदाबाद में भी आपको बता दें कि गीता महोत्सव का शुभारंभ किया गया, सरकारी योजनाओं के इस बीच स्टॉल भी लगे कई, और यहां पर कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये झलक जब इस आयोजन की शुरुआत हुई।
कैथल इंडिया नेशनल लोकदल की जिला पदाधिकारी और कार्यकारिणी की एक बैठक कैथल के आरकेएम फॉर्म में संपन्न हुई। और आपको बता दें कि इस फॉर्म में यह बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एनएलओ के राष्ट्रीय संगठन सचिव और पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाले को लेकर 16 दिसंबर को पंचकूला स्थित एचपीएससी कार्यालय का एनएलओ की युवा और छात्र इकाई घेराव करेगी, जिससे पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में युवा शामिल होंगे। एचपीएससी कार्यालय के घेराव के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो शाम सरकार की ओर से नए नंबरदार और यहां पर सरबरा नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने को लेकर तो शाम के तिकोना पार्क में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नंबरदारों ने जमकर नंबरदार एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं बैठक में सरकार की ओर से जारी पत्र का विरोध किया गया। नंबरदार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जिले सिंह का कहना था कि सरकार ने भविष्य में नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, अतः नंबरदार एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध करती है। इस पत्र को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। अगर सरकार इस पत्र को वापस नहीं लेती है तो नंबरदार एसोसिएशन 17 दिसंबर को पंचकूला में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। जो आके नंबरदार बने नहीं गए, बुजुर्ग नंबरदार है, धीरे धीरे यह प्रथा खत्म हो जाएगी। और क्या मांगे इसके अलावा? इसके लिए दो मांग है मेरे लिए। नंबर एक तो 23/11 का जो लॉटरी है वापिस किया जाए, और ये जो नंबरदार है जिनके केस चले उन नंबरदारों का मुकदमों का फैसला किया जाए, और जो सरबरा नंबरदारी वाली प्रथा जो बंद करी है उसको चालू किया जाए। आज की जो बैठक में जो स्टेट प्रधान जी आ रहे हैं, इन्होंने निर्णय लिया है कि आगामी जो 14 तारीख जो आने वाली है उसमें हमने एक मीटिंग रखी गई है, जो कि तहसील प्रधान व डिस्ट्रिक्ट प्रधान उसमें शामिल होंगे। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 17 तारीख को जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं पंचकूला नंबरदारों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, तो उस उसके बाबत एक आगामी रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से वो ज्ञापन दिया जाएगा। नंबरदार एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एकता जिंदाबाद, नंबरदार एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। खामोश जुबान पूछती निगाहें, कहीं शोर कहीं झांकती उम्मीदें, चुभते सवालों से अब होगा सामना। हर खबर पर जब उठेगा मसला, देखिए मसला रात 8 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। खबरें
जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों के नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुख करेंगे खबरों का। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से समस्त भारत के किसानों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। जहां एक ओर पिछले करीब 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर धरने पर बैठे किसानों की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में सिरसा में भी जश्न मनाया गया। वहां देखा गया किस तरीके से ढोल नगाड़ों पर जो किसान है वो नाच रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं हरियाणा किसान मंच की ओर से भी सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बने पक्के मोर्चे से विजय यात्रा का आयोजन किया गया। विजय यात्रा स्टेडियम से शुरू होकर किसान चौक से होती हुई सिरसा के सभी मुख्य बाजारों में जाएगी और सभी दुकानदार, मजदूरों और आमजन का धन्यवाद करेगी। तो एक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 1 साल तक लड़ाई लड़ी। एकजुटता के आगे प्रधानमंत्री झुके और कृषि कानून रद्द हुए, जिससे समाज में किसानों की एकता का संदेश गया। आपको बता दें कि किसान एकता का ये संदेश अब शादियों में भी देखने को मिल रहा है। सिरसा में एक दूल्हा अपनी गाड़ी पर किसानी झंडा लगाते हुए पैलेस में शादी करने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने मीडिया से बातचीत की और किसानों की जीत को ऐतिहासिक बताया। जी बहुत अच्छा है, का संघर्ष किया है उसका, किसानी जीत हुई है, संघर्ष किया उसका फल मिला है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक साल तो किसान शहीद भी हुए, तकरीबन 700 ज़्यादा किसान, उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? जी शहीद हुए वो तो दुखदाई है, लेकिन उनका था कुछ अच्छे कार्य के लिए उन्होंने समय किया है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर किए जा रहे हल्ला बोल कार्यक्रम, इसी कड़ी में सिरसा में भी हजारों कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय पर जमकर हल्ला बोला। कर्मचारी जब डीसी आवास की ओर कूच करने लगे तो एसडीएम जयवीर यादव और डीएसपी दल बल सहित कर्मचारियों के बीच पहुंचे और सोमवार को कर्मचारियों की कमेटी को उपायुक्त के साथ बातचीत के लिए बुलाया, जिसके बाद कर्मचारी शांत हुए और वापस लौट गए। आपको बता दें कि हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत शहीद किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, विमान हादसे में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देकर क्रांतिकारी नारों से की गई। आज पूरे प्रदेश के अंदर सौ कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी के आह्वान पर तमाम जिला मुख्यालयों पर हल्ला बोल कार्यक्रम है। हमने प्रदेश की सरकार को ये बता रहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम पूरे प्रदेश के अंदर बहाल की जाए, तमाम जो कच्चे कर्मचारी अलग अलग महकमों में लग रहे हैं ठेका प्रथा को खत्म करके उन कर्मचारियों को पेरोल पे उनकी एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि रेगुलर हो। प्रदेश के अंदर जो निजीकरण का दौर चल रहा है विभागों को निजी हाथों में देने का, सरकार निजी विभागों को बेचना चाहती है निजी हाथों में दे करके, उसके ऊपर रोक लगे। और इसके साथ साथ तमाम आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे मील परियोजनाओं में जो कार्यरत हैं, तमाम कैटेगरी का प्रदेश के अंदर जो कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है उनको एक स्थायी रोजगार देते हुए, उनकी नौकरी सुरक्षा गारंटी देते हुए। चलिए आप खबर जींद से है, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल की और आम लोगों से सहयोग मांगा। वहीं डॉक्टर 14 तारीख को ओपीडी और आपातकालीन बंद रखेंगे, पोस्टमार्टम की सेवाएं भी ठप रहेंगी। एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर डॉक्टरों की विरोध, जो डॉक्टरों का विरोध है वो जारी है। डॉक्टरों ने कहा कि वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर वो हड़ताल करेंगे। इसी के साथ एसएमओ डॉक्टर भोला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एसएमओ की सीधी भर्ती शुरू करने जा रहा है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।